हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 के बारे में। जैसे कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आई होप आप सभी लोगों ने अपनी ऑफिशियल आंसर की मिला ली होगी। तो किन क्वेश्चन पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना होगा, उन क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, क्योंकि आयोग ने कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। तो जिस क्वेश्चन के आंसर आयोग ने गलत दिए, आप उन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप सभी को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग उन क्वेश्चन को जान लेते हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें आयोग ने आंसर गलत दिए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप ऑफिशियल आंसर की है आ चुकी है, तो सभी लोगों ने अपने आंसर की मिला ली होगी। और देखिए, इसकी लास्ट डेट भी देख लेते हैं, आप 18 अक्टूबर तक अपनी आंसर की देख सकते हैं। और ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट क्या है, तो 19 अक्टूबर की शाम तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्शन करना है तो 19 अक्टूबर की शाम तक आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, इसके बाद आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस को जान लेते हैं। तो हम लोग पेपर सीरीज ए की बात करेंगे और पेपर जीएस पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो सीरीज आपकी ए है, इसमें किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 102 और 133 इन क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना होगा, क्योंकि आयोग ने इन क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं। आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप सभी को इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आंसर आयोग ने गलत दिया है तो फिर वो गलत ही रहेगा। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया 102 नंबर बताया, 133 नंबर बताया है कि इन क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। तो मुझे तो यही क्वेश्चन डाउट में लग रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंटों का कहना है, हम सीरीज ए की ही बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 11, 36 पर भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट आयोग ने जो 11, 36 के जो आंसर दिए हैं, मुझे तो इसके आंसर सही लगे, मुझे इसके आंसर गलत नहीं लगे। बट आपको फिर भी लगता है कि आंसर गलत है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, क्योंकि कुछ बुक्स में इसका आंसर सही है। जो 11:36 का आयोग ने आंसर दिया है, तो कुछ बुक्स में इसका आंसर सही है बट कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत है, तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो आप उन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करिएगा, तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आपने मैंने आपसे बताया था कि हम लोग बात करेंगे कि आपको किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, तो मैंने आपको आपको पेपर की सीरीज भी बता दी है। तो आप उस सीरीज पर जो जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बताया है, तो उन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन करिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।